नमस्कार, बीटीवी न्यूज में हूं छू आपनी साथे हिरल मेहता। विगतवार समाचारों की शुरूआत करिए तो सीएम भूपेन्द्र पटेले गुजरात की जनता नो आभार मान्यो छे। गुजरात ना लोकोए फरी एक वक्त भाजप पर विश्वास मुक्यो छे। गुजरात की जनताए विकास की राजनीति ने पसंद करी छे। गुजरात की जनताए फरी एक वक्त राष्ट्रवादी ने सेवा की तक आपी छे। गुजरात की जनता ना जनादेश नो अमे स्वीकार करिए छे तेवु निवेदन सीएमे आप्यु छे। भारतीय जनता पार्टी के विजयगंज के साथी, हम सबके नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि दो दशक से चली आ रही गुजरात की विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल जनता नो आभार मान्यो छे। आज गुजरात ना लोकोए पोताना आशीर्वाद भाजप ने आप्या छे तेवु निवेदन तेमणे आप्यु छे। हुं गुजरात नी जनता नो आभार व्यक्त करू छू। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत नो श्रेय जाए छे। पीएम मोदी ना नेतृत्व में गुजराते विकास कर्यो छे। जीत बदल हुं प्रधानमंत्री मोदी नो पण आभार मानु छू। आज गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। मैं गुजरात की जनता का नतमस्तक होकर आभार प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक विजय में जनता के आशीर्वाद के साथ साथ में अंतर्कर्णपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भाजपा को विजयी बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। उन्होंने 31 जनसभाएं की, 3 भव्य रोड शो किए। इस विजय के शिल्पकार माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ही वापस मुख्यमंत्री बने। पाटिल साहब ધારાસભ્ય દળની બેઠક ક્યારે મળશે અને ખાસ મુખ્યમંત્રી એ હવે સિસ્ટમમાં ધ્યાને મળી જશે અમે જે રીતે બધાને બોલાવીને મિટિંગ કરી લઈશું એનું આશીર્વાદ બધું કરીશું।